मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं की विशेष परीक्षाएं 1 से 25 सितंबर के बीच आयोजित की जाएगी। इसमें रिजल्ट से असंतुष्ट छात्र शामिल हो सकेंगे। इसके बाद इसमें प्राप्त अंकों के अनुसार उनकी अंक सूची जारी की जाएगी। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आदेश जारी किए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलने प्रदेश की पूर्व मंत्री इमरती देवी नई दिल्ली पहुंची। सिंधिया को देखते ही उनकी आंखों से आंसू निकल आए। इसी बीच केंद्रीय मंत्री भी खुद को भावुक होने से नहीं रोक सके। मध्य प्रदेश की सियासत में फिर पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का मामला उठने लगा है। यह मामला पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उठाया है। उन्होंने ट्वीट करके सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि कांग्रेस की सरकार ने 27% आरक्षण ओबीसी के लिए तैयार किया था, लेकिन सरकार बीजेपी की आई तो उसने इस आरक्षण को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। इंदौर जिले के प्रभारी और प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा शुक्रवार को दिनभर शहर में रहेंगे। वे कलेक्ट्रेट में कोविड को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे और तीसरी लहर की संभावनाओं को लेकर अधिकारियों से मंथन करेंगे। इसके बाद वह निर्वाचन कार्यालय का लोकार्पण भी करेंगे। नरोत्तम मिश्रा विधायक रमेश मेंदोला के साथ सुबह 10 बजे सबसे पहले जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के घर पहुंचे और चाय पर शहर के विकास पर चर्चा की। स्कूलों में ट्यूशन फीस न बढ़ाने के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश के विरोध में अब प्रदेश भर के निजी स्कूल संचालक हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। इन संचालकों ने 12 जुलाई से ऑनलाइन क्लासेस बंद करने की धमकी दी है। इनका कहना है कि 1.5 साल से स्कूल बंद होने के कारण उनकी माली हालत बेहद खराब है। ऐसे हालात में स्कूल चला पाना मुश्किल है।